द परफेक्ट पैलेस। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग। हिज पीपल लव्ड हिम सिंस ही लुक्ड आफ्टर देयर नीड्स वेल। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ही वुड इन्वाइट सम नोबल मैन ऑफ हिज किंगडम टू एनालाइज हिज वर्क एंड एडवाइज्ड हिम। द किंग बिल्ड मैनी थिंग्स एवरी ईयर ही वुड रीबिल्ड हिज पैलेस एंड एवरी टाइम इट लुक्ड बेटर दैट बिफोर। मार्वलर्स अनमैश्ड द कोरियर्स वुड प्रेज एंड द किंग वुड फील इलेटेड। वन डे द किंग थॉट दिस ईयर आई विल बिल्ड द परफेक्ट पैलेस विद ऑल कंफर्ट्स। इट शुड बी प्रेज्ड नॉट ओनली विद इन माई किंगडम बट ऑल्सो बाय द पीपल ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। द नेक्स्ट डे द किंग वर्कड आउट अ परफेक्ट डिजाइन फॉर हिज परफेक्ट पैलेस। आफ्टर फाइनलाइजिंग इट ही हैंडेड इट ओवर टू द बिल्डर्स एंड मैसन्स। इन अबाउट अ मंथ द परफेक्ट पैलेस ऑफ द किंग्स ड्रीम वॉज रेडी। द किंग इन्वाइटेड नोबल मैन ऑफ हिज किंगडम एज वेल एज द नेबरिंग स्टेट्स टू गेट देयर ओपिनियंस अबाउट द पैलेस। Unbelievable indeed, it is a perfect palace, cheered the nobleman in unison. But a saint standing in the corner was silent. The king wondered why the saint was silent when everyone was praising his palace. He walked up to the saint and said, "Please tell, O saint, why you are silent. Is not my palace perfect?" The saint replied in a calm voice, "Dear king, your palace is strong and will last forever. It is beautiful, but not perfect, since the people living in it are mortals. They are not permanent. Your palace will live forever, but not the people in it. That is why I am silent. Man is born with empty hands, and so does he die." The king thanked the saint for his wise words and never tried to build a perfect palace again.